नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त एक ऐसे गांव में खड़ा हूं जिसने 18वीं लोकसभा के गठन के लिए मतदान ना करने का फैसला किया है। यहां पर गांव वालों का एक मत में राय है कि जिस नेता ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, जिस नेता की सरकार ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, उसके लिए वोट क्यों किया जाए। हम इस सिस्टम से इतना थक चुके हैं, इतना हार चुके हैं कि अब इस सिस्टम में हम मतदान नहीं करेंगे। तो आपने इन ग्रामीणों की आवाजें साफ सुनी। ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए एक अधिकार, सड़क, पानी और अस्पताल, और ये इस मतदान बहिष्कार का बोर्ड अपने गांव के बाहर लगाए हुए बैठे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि आजादी के लगभग 76 साल बीत चुके हैं, हम 18वीं लोकसभा के गठन के लिए मतदान करने की ओर अग्रसर है। देश में मतदान का माहौल चल रहा है, आम चुनावों का माहौल चल रहा है, लेकिन हमारे लिए जो समस्या पिछले 75 साल पहले थी वही आज भी बरकरार है। ये लोग साफ कहते हैं कि हमें ना तो बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रही है, और जो अन्य तरह की समस्याएं तो वो है ही। लेकिन अगर इस गांव की बात करें तो ये नेपाल की तलहटी में बसा गाँव है। शिवालिक पर्वत श्रेणी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर जो नाका पड़ता है उससे तमाम जो है एसएसबी के अधिकारी और वहां पर जो एसएसबी के लोग रहते हैं वो भी इसी सड़कों से आते जाते हैं जो जंगल में पड़ती है। सड़क इनके लिए विशेष मुद्दा इसलिए है क्योंकि इन गांवों से बाहर निकल पाना बरसात के मौसम में, जब बारिश हो जाए उस मौसम में, बहुत ही कठिन होता है। कठिन इस कारण से होता है क्योंकि बरसात में जो स्थानीय सड़कें होती हैं, जो जंगलों के बीच होती हैं, वो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं और जंगली जानवर इत्यादि भी बाहर रहते हैं, इसलिए भी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनकी समस्या को जानने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया। और निर्णय लिया तो लिया, जब ये नेताओं से मिलते हैं, जब ये अधिकारियों से मिलते हैं, तो इनसे अधिकारी और नेता क्या कहते हैं। एक अधिकारी के ऊपर दारोमदार ये है कि वो जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का काम करे, और नेता के ऊपर दारोमदार ये है कि वो चुनकर जिस सदन में गए हैं उस सदन में इन जैसे ग्रामवासियों की आवाज को उठाने का काम करें। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। राजेश भाई, बताइए, आप लोगों ने ये बोर्ड लगा दिया गांव के बाहर, कह रहे नेता नहीं घुसने देंगे, क्या मामला हो गया? नहीं, हम लोग को बहुत चीजों से दिक्कत है, रोड के लिए दिक्कत, पानी के लिए दिक्कत, लेकिन रोड ही मिल जाए, कई बार हम लोग कहे, सब लोग से सुनवाई नहीं हुआ हम लोगों का, इस करके हम लोग पहले छपवा कर पोस्टर लगवा दिए हैं। कि मतलब कहां, किस किस के पास आप लोग गए? बहुत से लोगों के पास गए, किस किस का नाम बताएं? बताइए दो चार लोगों का नाम। जिला अधिकारी के पास गए और विधायक जी के पास गए, ऐसे बहुत से सांसद के पास गए जो राम शिरोमणि वर्मा है इस समय, हाँ उनके पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस यही होता है, काम में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं जब आप लोग कहते हैं कि हमारे गांव का विकास करें? क्या कहते हैं, यही कहते हैं, अब हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं होता है, इस करके हम लोग पूरे गांव वाले ग्रामीण लोग सब मिलकर, साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7-8 साल से लगभग जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार आप लोगों से इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है? लेकिन हम लोग का तो कुछ नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुआ, रोड ना मिला, ना पानी मिला, ना बिजली मिला। हम लोग को केवल रोड ही मिल जाए तो हम लोग आराम से, कोई बीमार हो जाए तो उसको दवा कराने के लिए ले जा सकते हैं। गाड़ी ना आती है ना जाती है, बरसात में बहुत हम लोग परेशान होते हैं, इस करके हम लोग गठित बनाए हैं कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे। पूरा गांव? पूरा गांव। कितने वोटर होंगे आप लोग तकरीबन? अब हमारे ग्राम सभा में लगभग में 1900-2000 वोटर हैं। अच्छा, हाँ 1900-2000 वोटर है। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम। सीताराम भाई, क्या समस्या हो गई, आप लोगों ने मतदान बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया? अब समस्या ये है कि विधानसभा में मतदान बहिष्कार हुआ था, सेक्टर मजिस्ट्रेट आए, बताया कि आप लोग शांति बनाइए, विधानसभा का वोट डालिए और इसके बाद कार्य शुरू होगा, सरकार से आपका जो गुजारिश है पूरा होगा। फिर विधानसभा 2 साल पूरा हो रहा है, 22 में चुनाव हुआ, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ,
लोकसभा का चुनाव आ गया, क्या हम लोग वोट देते रहे? रोड पर चलने का अधिकार नहीं है? एक देश एक संविधान होना चाहिए, सब लोग का रोड पर चलने का अधिकार है, क्या हमारा अधिकार नहीं है? नहीं तो अधिकारी तो कहते हैं कि ये गांव आपका जंगल में आता है, ये जंगल रिजर्व एरिया है, तो यहाँ पर सड़क कैसे? तो क्या आजादी से पहले गाँव बसा था, बाद में तो बसा नहीं, इसके लिए रास्ता नहीं चाहिए? क्या जंगल में हम रहेंगे? अगर यही समस्या थी तो पहले गाँव को बाहर कर देना चाहिए कि इसके लिए रास्ता नहीं चाहिए। अगर रास्ता नहीं तो वोट लेने क्यों आते हैं? नहीं आए? आप लोग नेताओं के पास गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी प्रदेश में भी, क्या लगता है कि उन लोगों ने आपके लिए काम करने की कोशिश नहीं की है? इतना पेचीदा मसला है कि सड़क बन ही नहीं सकती। सरकार चाहे तो हो क्या नहीं सकता है? सरकार का पूरा देश है, सरकार का हम भी है, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तभी हमारे विधायक सांसद नहीं चाहते हैं। प्रयास कैसे करते हैं? अगर प्रयास करते तो होता, तो जब हम प्रयास नहीं करें तो वोट नहीं देंगे। हमारे वोट देने से फायदा क्या है? जो हमें इसी में रहना है, गड्ढे में चलना है, रोड पर नहीं चलना है, तो क्या विधायक सांसद को वोट देने से कुछ फायदा है? कोई प्रत्याशी आया आप लोगों तक? इस बार तो कोई नहीं आया, विधानसभा के बाद में विधायक जी आए थे और सांसद जी तो आए नहीं है। लेकिन मान लीजिए विधानसभा में जो मतदान बहिष्कार हुआ था, सांसद जिलाधिकारी जी को भी अवगत कराया गया था और विधायक जी को भी सांसद जी को भी, यहाँ नहीं, ये मामला तो वन मंत्री तक गया है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वन मंत्री भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने भी काम नहीं किया। तो वो तो जाने की क्या किए हैं, किए होते तो रोड नहीं बनता, लेकिन क्या किए? वन मंत्री यहाँ पे आए? नहीं आए, वन मंत्री नहीं आए। अच्छा, वन मंत्री नहीं, डीएम साहब यहाँ पे आए थे, महेंद्र कुमार साहब जब थे। हाँ, वो आए थे, तेनुआ नगर में आए थे, यहाँ नहीं आए थे, वहीं से लौट गए थे। वहीं से लौट गए जो तेनुआ नगर, वहाँ खुला जगह जंगल से बाहर है, वहाँ आए थे, यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ तक नहीं आएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ तक जब कोई पहुँचेगा नहीं, भदवार तक या जाने का कैसे? वो जब यहाँ आएगा तभी जाने का कैसा रास्ता है? वो तो निकलते हैं एसी के रूम से, निकलते हैं रोड पर चढ़ जाते हैं, फिर यहाँ जंगल के रास्ते में क्या मालूम है? सोचते हैं कि सब फालतू में हल्ला कर रहे हैं, आकर देखें तो यहाँ की समस्या, बारिश में आ जाएं, बाइक से नहीं आ पाएंगे यहाँ। और आप लोगों के बच्चे पढ़ने वढ़ने कैसे जाते हैं? नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ रही भाई, डिलीवरिंग मामला आता है, डल्ला पर जाते हैं लोग, नहीं तो किसी तरीके से जाएं। यहाँ एम्बुलेंस नहीं, सरकार जो सुविधा दी है वो यहाँ क्यों नहीं आ रही है? जब रास्ता नहीं तो कैसे आ पाएगी? अब इतनी मैं समझ गया, एम्बुलेंस नहीं आ, बच्चे कैसे जा सकते पढ़ने? हम लोग के तो बच्चे अंगूठा टेक रह जाएंगे अगर ऐसे नहीं रहेगा तो। स्कूल तो खुलवा दिया है सरकार ने, सरकार स्कूल खुलवा दिया है। अब स्कूल की समस्या क्या है? सरकारी में कितने पढ़ाई होता है? दो मास्टर है तो क्या पता है कि 200 बच्चे हैं, कितना पढ़ा लेंगे वो? क्या नाम हुआ आपका? वरेंद्र कुमार यादव। यादव जी, आप तो इस बार जो है वोट नहीं करने का फैसला किए हैं आप लोग, क्यों ये फैसला हो गया आपका भाई? हम सब लोग को समस्या है, हमारा रोड नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसके घर में जाएं? बिजली यहाँ पर नहीं आई है अभी तक? अभी तक नहीं आई है। नहीं तो कैसे आप लोग इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, फोन कैसे यूज करते हैं, और मान लिया खेती किसानी करना हो तो वो कैसे कर पाते हैं? कहाँ नेटवर्क, कहीं साइड में कहीं खोजते हैं, कहीं मिलता है तो बात करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता है। कोई बीमार हो जाए या कहीं गांव में कोई आपत्ति आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो जो है कैसे? वहाँ रिंजरी के पास जाते हैं, वहाँ से फोन करते हैं। क्या किलोमीटर दूर होगा यहाँ से? यहाँ से लगभग मैं 4 किलोमीटर जाके फोन करते हैं। 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है फोन जी। आजादी के 75 साल हो गए, 18वां चुनाव होने जा रहा है, आम चुनाव जो 18वां होने जा रहा है, क्या लगता है कि ये 75 साल आप लोगों का कैसा बीता? 75 साल बीतने के क्या मतलब, गवर्नमेंट यहाँ सुनवाई नहीं कर रही है। गवर्नमेंट आती है तो क्या वोट लेने के बाद आती है, उसके बाद कोई आता नहीं है। लोग वोट ले लेते हैं आपके कहने का मतलब है, और फिर जो है कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार यादव। सुशील जी बताइए, आपके सांसद ने आपके लिए कितना काम कर दिया, जो इस समय बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, अब समाजवादी पार्टी के? कोई काम नहीं करा, इबे नहीं कि नहीं अब तक। आप लोग कभी गए, बुलाए, मिले उनसे? गए हैं, ये के लिए गए हैं, सड़क के लिए गए हैं कि सड़क बन जाए, बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए। गए, अभी नहीं आए? ना आए। आप लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई आया कि कोई? कोई नहीं आया। इस गांव तक कोई आया कि नहीं आया? कोई विधायक भी एक बार आया रहा। इस गांव के बाद कोई और गांव पड़ता है ना? ये हर गांव ना है यार, बॉर्डर है। तो एक तरह से कहेंगे कि ये इस बॉर्डर, ये इस इलाके का आखिरी गांव है। हाँ, आखिरी गांव है, इसके बाद फिर जंगल है और बॉर्डर है। हाँ, बॉर्डर है। कितना गहरा जंगल होगा, कई किलोमीटर गहरा जंगल होगा? लगभग 6 किलोमीटर गहरा होगा। 6 से 7 किलोमीटर गहरा जंगल है बॉर्डर लंग बॉर्डर के। अच्छा, 6 से 7 किलोमीटर गहरा जंगल है तो तमाम जंगली जानवरों के भी हमले होते हैं? हाँ, आवत है, जंगली जानवर आवत है। बिजली नहीं रहती है तो समस्या होती होगी? बिजली ना रहते बहुत समस्या होती की इतनी गल। कभी हमला हमला हुआ जंगली जानवरों का? हाँ, एक बार हुआ है, एक बार हमला हुआ है। दादा आप कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बताइए क्या नाम हुआ? हमारा नाम सतराम पासवान। सतराम भैया बताइए क्या दिक्कत हो गई? हमारे दिक्कत ये यहाँ के लिए, रोड के लिए, पानी के लिए और बिजली के लिए इतना लंबा दिक्कत है, और यहाँ पर
इस वक्त पर ये समझ लो कि खेते में हमारे गन्ना सूख रहा है, पानी का व्यवस्था नहीं है, पीने का नहीं व्यवस्था है, तो सिंचाई का व्यवस्था क्या होगा, उसके नहीं है। और बरसात में यहाँ ऐसा ऐसा होता है कि यहाँ मरीज जब हो जाते हैं बेचारे, या कोई का दुर्घटना हो जाता है तो हरैया को पहुंचाने में कम से कम नहीं 4 घंटा पैदल लेकर जाना पड़ता है। बरसात के टाइम में बहुत से ऐसे ऐसे कहानी हो गया कि एक्सपायर हो गए हैं, खुद हमारा लड़का एक्सपायर हो गया है कि अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरे के किसी का कहानी नहीं है, अपना कहानी कह रहे हैं। हाँ कि यहाँ से हरैया तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, 4 घंटा लग गया लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया, तब तक रास्ते में लड़का एक्सपायर हो गया। अठारह साल का बच्चा। पूछिए गांव वाले से कि सही है कि गलत है। नहीं, आप कह रहे हैं तो अब ऐसी ही समस्या है, इसलिए ये बड़ा निर्णय ले लिया। मैं तो कतई नहीं कहूंगा कि आप लोग वोट का बहिष्कार करें, लेकिन जो है ये बड़ा निर्णय है कि आप लोग वोट नहीं करेंगे, और वोट नहीं करेंगे तो सरकार आपको एक तरह से जो है आप सरकार के सिस्टम को नेगलेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया आपने? ये इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि इतने साल हो गया यहाँ आजादी होते हुए, इतने दम तक आदमी यहाँ एक किस्म पानी में बूढ़े पड़े हैं और अनपढ़ गंवार रहे, लेकिन अब लोग कुछ ये समझ ले कि 95 रुपया में यहाँ 5 पैसा भर या 25 पैसा भर, मतलब पढ़ा लिखा एक आधे लोंडे नए नए निकल आए हैं, इसलिए जानकारी हो गया, तो इसलिए निर्णय लिया गवागा कि भाई हम लोग को अगर ऐसे तरीका से नहीं करेंगे तो हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगा, सरकार नहीं देगा। सरकार तो इतने दिन से आता है, वोट लेकर निकल जाता है, कोई सरकार हो, लेकिन कोई सुविधा हम लोगों को नहीं दिया, ना सड़क दिया, ना रोड दिया, ना पानी दिया, ना बिजली दिया, ना अस्पताल दिया, कोई व्यवस्था यहाँ हम लोगों को मिला नहीं। बस इसी स्कूल के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपके गांव में सोलर प्लेट्स वगैरह लगी हुई? अरे सूरज प्लेट लगी ही मिला है, लेकिन घर घर वैसे कोई कोई करे लगा है, 2-4, 10-20 ऐसे मतलब लगा है। हाँ, जंगल के किनारे है ये गांव, मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ से घिरा हुआ है जंगल से, ऊपर पहाड़ है, 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ है, फिर इधर जो है पूरा उचास का एरिया होगा, यहाँ पे बोरिंग वगैरह होने में भी समस्या होगी, तो खेती किसानी कैसे हो पाती है? खेती किसानी सब ऊपर वाले के भरोसे करते हैं। हाँ। अगर ऊपर वाले जो बरसे तो ये समझ लो खेती किसानी करते हैं तो लगता है, नहीं नहीं लगता है, गन्ना बोए हैं वो झुरा रहा है, कोई भी फसल ऐसा है कि ऊपर वाले के दिया से हम लोग पाते हैं, पानी हमारे लोन के किसानी के सुविधा में नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत काम कर दिया। मोदी जी किया है, लेकिन जहाँ कर रहे हैं तहाँ कर रहे हैं, यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लिए हमारे कुछ है ही नहीं। मोदी जी दे रहे हैं तो बहुत जगह दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं पा रहे हैं, हम तो भूखन मर रहे हैं, तो हम तो भूखे मुक्ति लाएंगे, अब इसके आगे क्या चिल्लाए, हमारे लिए यही बात है। आपकी हकीकत ये है कि मोदी जी ने आपके लिए काम नहीं किया, तो आप क्या जाने काम हुआ है? हाँ, क्या हुआ कि नहीं हुआ, हम तो यही जान रहे हैं। आप वोट करेंगे इस बार? क्या नाम है? नहीं करेंगे, हमें रोड चाहिए तो वोट करेंगे। आलोक कुमार यादव। कै साल के हैं आलोक भाई आप? हम 17 साल के हैं। तो आप वोट ही नहीं कर सकते अभी, लेकिन वोट करते तो कैसे करते आप? करेंगे, बस थोड़ा सा कम है। वोटर कार्ड बना आपका? अभी नहीं। अप्लाई किया आपने? अभी नहीं किया। किस क्लास में है आप? हम 9th में निकले हैं, हाई स्कूल में है। नाम लिखाना है? हाँ, नाम लिखाया है आपने। अच्छा ये बताइए, वोट का अधिकार जानते हैं आप क्या होता है? हाँ, क्या होता है वोट? 18 साल के हो जाते हैं तब डालना पड़ता है। इससे आप क्या चुनते हैं? इसे हम क्या चुनते हैं, इससे कि जैसे कि हम किसी को भी चुने, और ये चुनते हैं, हमारा कोई काम नहीं कर रहा है तो हम क्यों चुने? काम नहीं कर रहा है तो नहीं चुनेंगे। और लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ एक होटल है वहां पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे माजरे को। चाचा क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम विजय कुमार। विजय चाचा बताइए क्या समस्या हो गई? पूरा गांव जो है सर यहाँ पे बहुत बड़ी है, ना तो पानी का सुविधा है, ना रोडे है, ना लाइटे है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है मालूम के पास, तो वोट करने से क्या फायदा है? तो आप तो पिछले 60-70 साल से वोट कर ही रहे हैं, तो उसी तरह से करिए वोट। वोट करने में क्या दिक्कत है भाई? जब सरकार कोई फायदा नहीं दे रही है तो मैं क्यों वोट करूं? क्यों आपके गांव में अच्छी सड़क बनवा? अच्छी सड़क तो बनी है, लेकिन ये बताइए ना रोड है, ना लाइट है, कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या जी, गाँव के बाहर आप लोग बताते हैं कि जो है गाँव के बाहर जाने में बड़ी समस्या है जी। और क्या क्या होता होगा बरसात के मौसम जी? जब रोड नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब पानी बरस जाता है हम लोग पैदल जाना पड़ता है जी। यहाँ से मान लिया आपको हरैया जाना हो, 8 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, तो कैसे? तो पैदल जाना पड़ेगा, और क्या करें, एक ही सुविधा है पैदल जाना।
बाइक वाइक भी नहीं चल पाती है। बाइक बताइए कि इतनी लेवा में बाइक कहाँ जा पाएगी। कई किलोमीटर जंगल है यहाँ, कहाँ पे ये जो आप रास्ता है आपका मेन रास्ता? मेन रास्ता ना नहीं, एक किलोमीटर पड़ता है। एक किलोमीटर जंगल गिरगिटही बांध से हमारी मैंने भदवार में एक किलोमीटर गिरगिटही बांध से अगर रास्ता बनाया जाए तो एक किलोमीटर नेट पड़ेगा आपके कहने का। हाँ जी जी जी, एक किलोमीटर से ज्यादा पड़ेगा, मात्र एक किलोमीटर। ठीक है, और एक लोग बैठे हुए हैं। एक किलोमीटर लगता है। अच्छा, कुछ राजनीति की बात कर ली जाए। हाँ जी, किया जाए। कौन सी पार्टी पसंद है इस समय अगर वोट करते तो? जी मैं क्या बता दे, बताइए कुछ तो बताइए। जब कोई पार्टी मदद ही नहीं करता है तो किसको मैं चुने? चाचा क्या लगता है कि कोई पार्टी मदद नहीं करती है? चाचा सही कह रहे हैं, कोई मदद नहीं करता है ना। मदद करते तो हम लोग ऐसी परेशानी क्यों झेलते हैं? आप ही बताइए। सपा वाले अलग दावा कर रहे हैं, बसपा वाले अपना अलग दावा कर रहे हैं। सुनिए तो, सुनिए तो हमारी बात सुनिए। सपा वाले अलग दावा कर रहे हैं, बसपा वाले अलग दावा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग दावा कर रहे हैं, भाजपा वाले अलग दावा कर रहे हैं। किसका दावा सही लगता है, किसका दावा गलत लगता है? अब वो सब वो कोई नहीं सर, परेशानी सब उठाए सब बाबा होते हैं, बस काले वोट मांगे, सब अपना अपना जीत जमाओ है। नेता आते हैं यहाँ तक? कभी कदार आते हैं। कौन कौन नेता है भाई आज तक? कौन कौन नेता? सब पार्टी वाले नेता, कभी नेता आते हैं। हमारा युग नहीं कहना, ये जो आपसी विधायक हैं क्या नाम है, कैलाश शुक्ला जी, वो आए थे और कहीं ना हो जाएगा। कब साल पहले आए थे? इसी साल में तो सही रहे, 23 में आए। 23 में आए थे, एक साल पहले। हाँ, एक साल पहले आए थे। एक साल से विधायक जी जो है एक किलोमीटर रोड नहीं चलवा पाए आप लोग। अब क्या है उनके मन में, क्या समस्या है? सरकार तो पूरा सब उन्हीं का है भाई, जंगल तो उन्हीं का है और ये जो कुछ है आबादी तो उन्हीं का है, और चाहे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा। क्या लगता है भाजपा सरकार ने आप लोगों के लिए कितना काम किया? क्या काम किया? हाँ। बस वही राशन पानी दिया, और क्या काम किया? हमारे जो समस्या हो करते नहीं है। राशन पानी दिया लेकिन जो मूल समस्या उसका निपटारा नहीं हुआ। हाँ, हमको तो सड़क चाहिए। हाँ, सड़क मिल जाए जो ना बहुत हमें समस्या सावधान हो जाए। सड़क सबसे पहली जरूरत है इस गांव की। एक बुजुर्ग महिला है मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। अम्मा यहाँ आइए, आप बैठिए। क्या नाम हुआ? मेहमान नाम कमला देवी। कमला देवी, इस बार आप लोग कह रहे हैं वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करिएगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? हम काहे नहीं वोट करेंगे? तो काहे ना, तो काहे वोट करिए? काबला कहे जब हम लोग यहाँ जंगली बिहार में मरी जाया हुए खेती, तो काबला कहे वोट दिया कौन फायदा? कई साल से आप लोग ऐसे ही जंगल विहार में हैं और जो बीता जात है बाप, हाँ। वोट करते आ रहे हैं। कौनो पार्टी आपका निक लगा थी, कौनो नेता निक लगा था? कौनो नेता सब करें तो सब निक लगा था, ना करें तो कोई नहीं निक लगा था। कोई नहीं निक लगा था, माने आप लोगों का कौनो मत नहीं है? कौनो मत नहीं है। तो देखिए ये बुजुर्ग महिला है, इनकी आवाज है, इन्होंने तमाम चुनाव देखे होंगे, तमाम यहाँ पे युवा भी है। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ सरोज। सिद्धार्थ, मैं आखिरी में आपसे बात करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मुझे एक मोटी सी फाइल दिखा रहे थे। जी जी। वो फाइल क्या है और उसके बारे में क्या क्या राज है, आप कुछ खोलेंगे? ये फाइल ये है कि इसमें ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा है। 2022 ये दो जो 2022 का जो लोक विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद में, कि जिसको हम नहीं दिए हैं। ये सर्वप्रथम तो हमने जो है दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी के लेटर हेड पे दिया है जो है। उसके बाद में फिर ये वन मंत्री को मैं जाकर के खुद देकर आया हूँ। वन मंत्री महोदय, हमें ये बताए कि जाकर के आप अपने विधायक से मिलिए या अपने आप प्रतिनिधि से मिलिए कि वो पहले क्या करें, वो डालें पहले कि यहाँ से इसके लिए हमें रोड चाहिए, तब हम इसके लिए एनओसी के लिए बात करें। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फैक्स किया है, वो किया है जो है वो जो रजिस्ट्री होता है। उसके बाद में ये है जिलाधिकारी जी को मैंने दिया। फिर ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है। फिर उसके बाद में ये जिला पंचायत अध्यक्ष को दिया है, ये जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद में ये विधायक जी ने लेटर पैड खुद लिखा है, ये जो है ले जा करके हमने यहाँ हम वन मंत्री को दिए हैं। यहाँ से दिल्ली से 70 किलोमीटर आगे है एक बागपत है, वहाँ के वो रहने वाले, मैं वहाँ जा करके एक रात रुका हूँ। एक दोस्त है हमारे, मैं उनको भी जो है साक्षी है, मैं उनसे बात भी करवा सकता हूँ।
तो जो ये आप ये जो समझाना चाह रहे हैं कि इतने लोगों को लिखत पढ़त की आपने, उसका क्या नतीजा निकला? तो नतीजा कुछ नहीं निकला, इसलिए तो हम लोग ये कहें कि जब हम लोगों के हाथ में, जब हमारा हम लोगों का कोई सुनता ही नहीं, तो हम लोगों के जो हाथ में है वो हम करेंगे। हम लोगों के हाथ में मतदान का बहिष्कार कर देना तो एक तरह से गलत बात है। मतदान का बहिष्कार, हम किसी को रोके नहीं है। मतदान हमने कहा है कि भैया हम इतना परेशान हुए हैं, हम नहीं करेंगे मतदान, आप लोग जाकर के इच्छा हो तो करिए, अन्यथा नहीं करिए। मैं अपने मतदान का अधिकारी हूँ, मैं जिसको चाहूंगा उसको चुनूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं चुनूंगा, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा गांव तैयार खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है, तैयार है। वो हाँ, वो जो है पूरा गांव खड़ा है, उसके लिए बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को कि जो हमारे साथ में है सभी लोग। लेकिन मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप लोग मतदान ना करिए, मैंने मतदान करने से मैं खुद ये कहा कि मैं मतदान इस बार नहीं करूंगा। इतना हम चले हैं यहाँ से लेकर दिल्ली से 70 किलोमीटर बागपत पड़ता है, वहाँ गए हैं, एक एक दिन हम भूखे मरे हैं। और लखनऊ, वहाँ एक बार तो हम बताए ही नहीं, एक बार लखनऊ जो है मुख्यमंत्री जी को भी जाकर के हम दे आए हैं, मिले हैं मुख्यमंत्री, हाँ, जनता दरबार में उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ पर लेटर भी आया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नाप करके केवल गोली दिया गया, नाप करके केवल, यहाँ केवल सड़क नापा जा रहा है बस, और कुछ हुआ नहीं है आज तक। तो मैंने केवल अपना अधिकार मतदान का करने का जो है ये किया है कि मैं नहीं करूंगा, और सभी लोग आपकी इच्छा जो लोग करिए, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, आप लोग स्वतंत्र हैं मतदान करने के लिए। फिलहाल इनका ये कहना है कि इन्होंने किसी को नहीं रोका है, जो मतदान करना चाहे वो करे, लेकिन ये मतदान नहीं करेंगे। लेकिन इनके गांव वालों ने गांव के बाहर ही एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा हुआ है कि यह गांव मतदान का बहिष्कार करेगा। अब सिस्टम की हम बात करते हैं, क्योंकि सिस्टम ही इन चीजों को, तमाम चीजों को करता है। ये जो बलरामपुर जिला है, इसमें जो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है, श्रावस्ती और बलरामपुर जिले को मिला के जो 450 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसके इर्द गिर्द तमाम गांव बसे हुए हैं। इसके इर्द गिर्द और इसके अंदर जो गांव बसे हुए हैं, उन्हें या तो राजस्व ग्रामों का दर्जा दिया गया है या वनटांगिया ग्रामों का दर्जा दिया गया है। वनटांगिया और राजस्व ग्रामों में ये चीजें होनी चाहिए कि यहाँ पर सड़क की सुविधा इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सरकार जो है राजस्व की वसूली करती है, सरकार को इन गांवों से आय प्राप्त होता है। लेकिन सरकार इनसे आय तो ले लेती है, लेकिन जब डिलीवर करने का वक्त आता है तब इन्हें डिलीवरी नहीं हो पाती, इन्हें सुविधाओं की डिलीवरी नहीं हो पाती, इन्हें उन तमाम मूलभूत आवश्यकताओं की डिलीवरी नहीं हो पाती जिन पर इनका और इन जैसे लोगों का पहला हक है। आप अगर गांव की तस्वीर को देखना चाहें तो गांव के पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम घर ऐसे बने हुए हैं जो फूस के बने हुए हैं, तमाम आवास ऐसे बने हुए हैं जो फूस के बने हुए हैं, और यहाँ पर आज भी रहने वाले लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे ही आते हैं। लोगों ने कहीं ना कहीं जो है मेहनत मजदूरी करते हुए अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश तो की है, लेकिन आज भी इनका जीवन स्तर मूलभूत सुविधाओं के जो है टोटे के लिए जूझ रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। इन गांव वालों ने वोट ना करने की जो प्रण लिया है, वोट ना करने की जो कस्में खाई हैं, उससे एक बात साफ पता चलती है कि सिस्टम कहीं ना कहीं तो फेल हुआ है। अगर सिस्टम फेल नहीं हुआ होता तो ये गांव वाले कम से कम इस निर्णय पर नहीं पहुंचते। एक तरफ चुनाव आयोग इस बात की दुहाई देता है कि हम दुर्गम से दुर्गम इलाके में पहुंचेंगे, एक एक मत को कलेक्ट करेंगे, एक एक मतदाता से वोट करवाने की कोशिश करेंगे और उससे वोट डालने के लिए अपील करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब इन जैसे गांव वाले जो है मतदान ना करने की कस्में खाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, जो इस देश की डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती है। इनके प्रमुख मांगे हैं कि इन्हें बिजली, सड़क, पानी इत्यादि, जो अस्पताल हैं इत्यादि दिए जाएं, इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन जंगल में बसे इस गांव को कहीं ना कहीं परेशानी ही झेलनी पड़ती है और नेताओं से जो है इन्हें कोई ना कोई जो है बात सुननी पड़ती है, और नेता केवल इनकी बात को जो है गोलमोल करके घुमाते हुए इनकी बातों को नजरअंदाज करते नजर आते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।